थाना जाचा के दयानगर गांव में प्रशांत नामक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था। उधर से जयवीर नामक व्यक्ति गुजरा तो प्रशांत ने खांसने की बात की, तो उस पर जयवीर से उसका कुछ वाद विवाद हुआ कि भाई अगर देख के क्यों खांस रहे हो तुम, और इसी दौरान जयवीर ने फायर आर्म से उसके ऊपर प्रहार किया जिसे गोली उसके जान में लगी है। कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है, खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तबीयत गंभीर है, उनका गनशॉट का नाम परवेश है, 27 ईयर ओल्ड है। वो दारिया नगर से आया, उनका रात को 10 बजे गोली लग गया, हमारा हॉस्पिटल में 11 बजे आया। उनका गोली तो लेफ्ट थाई में लग गया, बट वो गोली उधर का राइट साइड में राइट थाई में आ गया। अभी उनका बीपी कम होता, इसके पेशेंट को थोड़ा स्टेबल करके उसके बाद ऑपरेशन करके निकाल देंगे। पेशेंट अभी आईसीयू में एडमिट है, अभी अंदर ही है, राइट साइड ऑफ द थाई में। कितनी गोली थी? एक ही गोली थी। हाँ भैया, मतलब हम बैठे थे तो मुझे पता ना थी क्योंकि हमारे गाँव में लाइट ना आ रही, उसने कल को फोल्ड टको लाइट में, जैसे मैं हल्का से फंसा तो बोला हाँ तुम वो देख कर फंसो, मैंने कहा भाई ना मैं ना तो देख कर फंसो, लेकिन पता मैं वहाँ से ना मैं ना कह रहा कुछ भी, इतने फायरिंग कर दी। कुल कितने लोग थे आप? चार थे। जो फायरिंग करने वाला वो कौन था? वो थोड़े मोहल्ले का ही है, जयवीर और फुगल्लू। ठीक, आपकी कितनी गोली लगी? एक लगी मेरी। अब ठीक हो? अभी तक ऑपरेशन ना हुई। क्या नाम है, क्या हुआ आपके साथ? परवेश भटाना मेरा नाम। हम वहाँ पर घर के पास ही छोटे से लूडो खेलने बच्चे हैं, ड्रिंक कर खाया तो क्या लगा ये क्या कर रहे हो, मैं क्या लगा लूडो खेल रहा हूँ। लिफ्ट भी बोला भी पहले मुल्क तो कहा होगा लिफ्ट बदमाश थी तो पहले बोलो, हमें पता नहीं हुआ पिस्टल मंत्र पिस्टल चला दी जो पहले तो मेरी लगी गोली साइड में, थोड़ी सी भीत में भीत की साइड में एकदम गिर गया। दूसरी गोली एक लड़का और उसके अंदर ना, उनको वाके मत धोखा हमारी कमर को, ठीक है, वो नीचे को लोग बैठ गए एकदम उसका लगी लो। तीसरी गोली उसने भीत के ऐसे करके ऐसे मारनी चाहिए मेरे, तो मैं और थोड़ा थोड़ा उसका बैठा मेरी साइड में ऐसे लगी छाती की साइड। चौथी और पहुँची ऊपर को हुई फायरिंग करी से। कुल कितनी फायरिंग हुई थी? चार पहुँची थी। अच्छा, कुछ ना ना कुछ हुआ था ना? आप सबसे तेज सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।